एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैन वुमन एंड डॉग में। आपने हमारे चैनल में बहुत सारे मैन और वुमन से रिलेटेड तो वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज का वीडियो स्पेशली है लाडो के लिए। आफ्टरऑल हमारे चैनल का नाम मैन वुमन एंड डॉग जो है, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं आपके पास साइबेरियन हस्की है तो आप उसे खाने के लिए क्या देते हैं। हम उसे डॉग फूड भी देते हैं, जिसका हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इनफैक्ट उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम डॉग फूड हम उसे देते हैं होममेड फूड, और होममेड फूड का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने डॉग के चॉइस के अनुसार, उसकी डाइट के अनुसार, आप उसके एज, उसके वेट के अनुसार जैसा चाहे बैलेंस कर सकते हैं। और सिर्फ साइबेरियन हस्की के लिए नहीं, ये होममेड डॉग फूड आप किसी भी डॉग ब्रीड को दे सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। गाइस, हम इसे 3 मील्स देते हैं, वैसे कुछ लोग 2 देते हैं, कुछ लोग 4 देते हैं, लेकिन इसका ऑलरेडी ओपन पायोमीटर का ऑपरेशन हो चुका है, जिसकी वजह से हमें डॉक्टर ने कहा है 750 से ज्यादा आप 800 ग्राम्स कीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं, वरना ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम 3 मील्स में उसे क्या देते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में हम लाडो को देते हैं ओट्स और चिकन। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो कैसे बनता है और हम इसे कैसे देते हैं और इसे वो कितना पसंद है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओह, स्पोर्ट्स बाइक। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओट्स लिया है, ये प्लेन ओट्स है, ये 100 ग्राम्स के करीब है, आप किसी भी कंपनी का ओट्स ले सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे इक्वल अमाउंट में 100 ग्राम के करीब चिकन कीमा लिया है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और एक पॉट ले लेंगे। अब इसमें चिकन और ओट्स को हम ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ मैंने 1 लीटर के करीब पानी डाला है और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे मिक्स ज़रूर करें, वरना जो ओट्स और चिकन है वो नीचे चिपक जाता है। अब गैस की फ्लेम हम स्लो कर देंगे और इसे 15 से 20 मिनट तक कुक होने देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 20 मिनट बाद ओट्स बनके तैयार हैं। ये थोड़ा सा लिक्विडी है, आप चाहे तो इसे ड्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बल्क में बना रही हूँ, ये 4 से 5 दिन आराम से चल जाता है, तो आपको ये रोज रोज बनाने का झंझट नहीं रहेगा। अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख लें। अब ओट्स ठंडा हो चुका है और मैंने इसे वेट मशीन से नाप लिया है, ये करीब 250 ग्राम्स है, और अब मैं इसमें पानी मिलाऊंगा। गाइस, बहुत से ऐसे डॉग्स होते हैं, खासकर मेरी हस्की टाइप के, जो पानी नहीं पीते हैं, तो इस तरीके से पानी मिला के आप खाने में दे सकते हैं। और गाइस, जब भी आप फ्रिज से ओट्स बाहर निकालें तो उसे ओवन में हल्का सा गर्म कर दें, उसके बाद ही उन्हें दें। तो चलिए देखते हैं इसे लाडो कैसे एंजॉय करती है। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं लाडो ने 2 मिनट के अंदर ही ओट्स को पूरा चट कर दिया। अब बारी आती है लंच की। लंच में गर्मियों के सीजन में हम लाडो को राइस और दही देते हैं, और ठंड और बारिश के सीजन में हम उसे फिश या राइस या लैम और राइस देते हैं। लेकिन इन सभी के बीच में एक मील हम इसका डॉग फूड का जरूर रखते हैं, ताकि ये होममेड डॉग फूड से बोर ना हो जाए। चलिए तो हम आपको दिखाते हैं कि लाडो के लिए हम लंच कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी पानी की। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सब्जियाँ ले ली हैं, जैसे कि बीन्स है, कैरेट्स है, पम्पकिन है, आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 1/2 किलो के करीब गोश्त लिया है, आप यहाँ मटन भी ले सकते हैं या चिकन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे राइस लिया है, ये 150 ग्राम के करीब राइस है, आप चाहें तो ब्राउन राइस भी ले सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है हल्दी। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और एक कुकर ले लेंगे, क्योंकि हमें गोश्त को जल्दी गलाना है, इसलिए हम कुकर का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम गोश्त को डाल लेंगे कुकर में। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे राइस। अब हम सभी सब्जियों को इसमें ऐड कर लेंगे। इस मील के थ्रू आप अपने डॉग को वेजिटेबल्स भी खिला सकते हैं। बेसिकली ये 1 पॉट मील है, जिसे इंसान और डॉग दोनों खा सकते हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी। अगर आपके पास कच्ची हल्दी हो तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 से 2 पिंच के करीब हल्दी ऐड कर रही हूँ। अब मैं ऐड करूँगी पानी। यहाँ मैंने 1/2 लीटर के करीब पानी ऐड कर दिया है, और चम्मच की हेल्प से हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुकर की लिड को लगा लेंगे। सबसे पहले हम इसे हाई फ्लेम में 1 सीटी आने तक कुक होने देंगे, और उसके बाद फिर हम 1/2 घंटे के लिए सिम में पकने देंगे। लीजिए, तो 1/2 घंटे बाद हमारा लाडो का लंच बनके तैयार है। बस इसमें तड़का और नमक ऐड कर लीजिए तो इंसान भी खा सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी चीजें अच्छे से कुक हो गई हैं। मैंने यहाँ बोनलेस लिया है, क्योंकि कई बार डॉग्स हड्डी अटका लेते हैं, तो इसलिए हम बोनलेस प्रेफर करते हैं। मैं आपको एक गोश्त का पीस दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे से गल चुका है। अब ये ठंडा हो चुका है। चलिए तो अब हम इसे वेट मशीन में नाप लेंगे।
हम इसे 250 ग्राम के करीब देते हैं। यहाँ मैंने बल्क में बनाया है ताकि 4 से 5 दिन ये आराम से निकल जाए। आप इसे फ्रिज में रख के 4 से 5 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो मैंने निकाल लिया है। आप कभी भी अपने डॉग को ओवर ईट ना कराएं, नहीं तो उन्हें ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। अगर आपका भी डॉग पानी नहीं पीता है तो आप इस तरीके से खाने में पानी ऐड कर सकते हैं और इन्हें खिला सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे टाइमर लगाया है। ये इसका वन ऑफ द फेवरेट फूड है जिसे ये मिनटों में चट कर जाती है। सबूत आपके सामने है। अब बारी आती है लाडो के दूसरे टाइप के लंच की, जो हम देते हैं गर्मियों में। गाइस, यहाँ पे हमने ब्राउन राइस और दही का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो नॉर्मल व्हाइट राइस भी दे सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं, ब्राउन राइस इंसानों और जानवर दोनों के लिए बहुत हेल्दी रहता है। जब आप खाना नापें, मेक श्योर जिस बर्तन में आप नाप रहे हैं पहले आप उसका वेट ले लें, ताकि ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा या कम दें। अब हम खाना इसमें मिक्स कर देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं टाइमर। गाइस, आपको बता दूं, डॉग्स के लिए ये बहुत अच्छा खाना है, मानो जैसे आप उन्हें आइसक्रीम दे रहे हैं। ठंडा ठंडा दही और राइस। राइस आप गर्म करके मत दीजिएगा, उन्हें नॉर्मल दीजिएगा और ठंडा दही दीजिएगा, एंड ट्रस्ट मी दे विल लव इट। उनके लिए तो ये मानो ट्रीट है। और जैसे कि आप देख सकते हैं उसने कितने जल्दी से सफा चट कर दिया। जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया लाडो को होममेड फूड कितना पसंद है, तो आप भी अपने डॉग को इस तरीके से होममेड फूड बना के दे सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है गाइस कि इन्हें ट्रीट की भी जरूरत पड़ती है, जिन पे इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। जब भी कुछ अच्छा करते हैं या जब आप कहीं बाहर जाने वाले होते हैं तो आप उसे एज अ ट्रीट देके जा सकते हैं। देखिए, शॉप्स में बहुत सारे आपको रेडीमेड ट्रीट्स मिल जाएंगे, बोन्स मिल जाएंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे नहीं रहते हैं। तो मेक श्योर आप इनके लिए जो भी ट्रीट देते हैं वो नेचुरल हो, जो इन्हें पसंद भी आए और इनके लिए हेल्दी भी हो। जैसे कि आप बनाना दे सकते हैं, कोकोनट दे सकते हैं, बीन्स, कैरेट्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो इनके लिए भी हेल्दी हैं और इन्हें पसंद भी आता है। चलिए तो आगे की वीडियो में देखते हैं कि लाडो अपने ट्रीट्स को कितना एंजॉय करती है। आप एज अ ट्रीट अपने डॉग्स को पुदीना या धनिया के स्टेम्स भी दे सकते हैं। ये इनके लिए काफी हेल्दी होता है और इनको इनसे बैड ब्रीथ नहीं आती है। गाइस, हम इसे एज अ ट्रीट कभी कभी बीन्स भी देते हैं। आप चाहें तो बीन्स को बॉईल कर लें और इसे एज अ मील भी दे सकते हैं। You want this? Good girl. That hand? Good girl. Down. ट्रीट्स देके आप इन्हें कमांड फॉलो करना भी सिखा सकते हैं और ये बहुत हेल्दी वे है। आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकॉन है तो आप उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम इस तरीके का कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी है, जहाँ हमारे चैनल मैन वोमेन एंड डॉग्स से रिलेटेड बहुत सारे अप टू डेट पोस्ट करते रहते हैं, तो आप हमें वहाँ भी फॉलो करिएगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक खुश रहो, खुश रहने दो, praise the Lord, bye।